हेलो एवरीवन, पिछले वीडियोस में हमने 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज को फिनिश किया है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है, ये डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर बेस्ड है। कुछ रूल मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, बट आज उनको हम रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन के साथ डील आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली एवेल्यूएट करना है आपको। ये डिफरेंट एच पार्ट गिवन है आपको, एक ही क्वेश्चन के एच पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या है -30/10। अब सबसे पहले तो जब -30/10, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब माइनस प्लस, ये किसका है? माइनस का, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस का, ये ऑटोमेटिक है भी। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो वो किसका होता है? प्लस का। ये माइनस का है, ये प्लस का। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है? और जो भी फिर आंसर आता है, दोनों को रूल के हिसाब से देख लो वो क्या बनता है, वो साइन आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है? बी पार्ट में भी सिमिलर, 50/-5। सबसे पहले तो हमने 5 को 50 से डिवाइड किया, क्या आया? 10। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ओके। थर्ड जो पार्ट है आपका, सी पार्ट, -36/-9। -36/-9। अब 9 4 36, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस रूल के हिसाब से क्या होता है? प्लस, ओके। डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में क्या है? -49/49। तो -49/49 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 149 को 49 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 1। ये माइनस का है, ये नीचे वाला क्या है? प्लस का। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अगला पार्ट थोड़ा एक्सपेंड करके दिया हुआ है, देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। 13/-2+1। तो सबसे पहले जहाँ पे ब्रैकेट होती है ना, तो हम ब्रैकेट को सोल्व किया करते हैं। 13 as it is, -2+1, ओके। ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या हुआ? आपको ये चीज़ माइंड में करनी है। माइनस प्लस हुआ माइनस, 2 में से 1 गया 1, और बड़ी फिगर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो -1। 13/-1, इसको ऐसे लिख लिया, 13/-1। अब 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? वो 13 देगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का 13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगले पार्ट में क्या है? 0/-12। अब क्या करना है? 0/-12। एक तो जब आप 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो 0 देता है, और अगर आपका डिवाइड करने में मतलब ऊपर की साइड 0 है, न्यूमरेटर में 0 है, तब तो वो 0 देगा। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 है, मान लो 13/0 होता, तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी, ठीक है? इन्फिनिटी मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो चलता जाएगा। जी पार्ट में देख लीजिए, -31/-30+-1। -31 as it is, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व किया करते हैं, मैंने आपको बताया ना। -31 as it is, -30, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है? अब -31 as it is, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 30+1 कितना हुआ? 31, और बड़ी फिगर के आगे किसी का साइन है? माइनस का, तो -31। अब ये भी -31, ये भी -31, तो 31 डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 1 देगा। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ओके। एच पार्ट पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? -36/12, -36/12, ये डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 3। ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? ये 1, और क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा आपका। आई पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, थोड़ा एक्सपेंड करके दिए हुए, इनको सोल्व करना है। पहले -6+5, -6 में से 5 गया, क्या आया? 1। बड़ी फिगर के आगे किस चीज़ का साइन है? माइनस का, तो -1 डिवाइड का साइन एज इट इज। माइनस का 2, प्लस का 1, ठीक है? माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस,
टू में से वन गया, वन बड़ी फिगर के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का। अब माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, तो डिवाइड किया तो क्या आया, वन ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वन आंसर आएगा। ये आपका था 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियोस में हम अच्छे सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।